रोजगार सिर्जन लई सर्वउच्च प्राथमिकता देण दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी प्रतिबद्धता पूरा करन दी दिशा वल एक होर कदम वधाउंदिआं कौमी पद्धर ते दूजे रोजगार मेले दा आयोजन मंगलवार 21 नवंबर नूं कीता गया। देश भर विच 45 थावां ते अजिहे रोजगार मेले आयोजित कीते गए। इस लड़ी तहत पंजाब विच राज पद्धरी रोजगार मेला जलंधर स्थित सीमा सुरक्षा बल दे पंजाब फ्रंटियर हैडक्वार्टर विखे आयोजित किया गया। केंद्रीय वणज ते सनत राज मंत्री सोम प्रकाश ने इस रोजगार मेले की प्रधानगी की। रोजगार मेले की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों नवे भर्ती उम्मीदवारों नूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही 71,000 तो वध नियुक्ति पत्र प्रदान करन नाल हुई। देश भर दियां 45 थावां तो लोग ऑनलाइन इस समागम नाल जुड़े। अपने संबोधन विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह रोजगार मिलन नाल इन्हां परिवारों लई खुशी का एक नवा युग आवेगा। आज देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। साथियों, पिछले महीने जब रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी तो मैंने एक और बात कही थी। मैंने कहा था कि विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश एनडीए और भाजपा शासित राज्य भी इसी तरह रोजगार मेले का आयोजन करते रहेंगे। मुझे खुशी है कि पिछले एक महीने में ही महाराष्ट्र और गुजरात में भी राज्य सरकारों की तरफ से हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार ने भी अनेकों युवाओं की नियुक्ति पत्र दिए हैं। पिछले एक महीने में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और चंडीगढ़ में भी रोजगार मेले आयोजित करके हजारों युवाओं को नौकरी दी गई है। 28 नवंबर को त्रिपुरा सरकार भी रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। यही डबल इंजन की सरकार का डबल फायदा है। देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का यह अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौजवानों नूं देश दी सब तो वड्डी ताकत दस्या अते कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्र निर्माण विच उन्हां दी प्रतिभा ते ऊर्जा दा सद उपयोग करन दे कारज नूं सर्व उच्च पहल दे रही है। साथियों, भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे
केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने 71,000 से ज्यादा नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिन पदों पर आपकी नियुक्ति होने जा रही है उसे आपने कठिन परिश्रम से कड़ी प्रतियोगिता में सफल होकर हासिल किया है। इसके लिए आपको और आपके परिवार को भी उतना ही हक है बधाई प्राप्त करने का। मेरे युवा साथियों, आपको ये नई जिम्मेदारी एक विशेष कालखंड में मिल रही है। देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। हम देशवासियों ने मिलकर इस अमृत काल में भारत को विकसित बनाने का प्रण लिया है। इस प्रण की प्राप्ति में आप सभी देश के सारथी बनने जा रहे हैं। आप सभी जो नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं उसमें आप अन्य देशवासियों के सामने केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त होंगे एक प्रकार से। ऐसे में आपको एक और बात याद जरूर रखनी चाहिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए आपको अपनी भूमिका अच्छी तरह समझनी होगी। एक जनसेवक के तौर पर अपनी सेवाएं देने के लिए आपको अपनी क्षमता बढ़ाने, कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी लगातार फोकस करना चाहिए। आज सरकार का प्रयास टेक्नोलॉजी की मदद से हर सरकारी कर्मचारी को बेहतर ट्रेनिंग की सुविधा देने का है। उना कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल भी लॉन्च किया, जेड़ा सारे नवे भर्ती किए गए उम्मीदवारों लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। इस कर्मयोगी भारत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का जिक्र करदिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी अधिकारियों लिए कई ऑनलाइन कोर्सों की उपलब्धता की जानकारी भी दी। हाल ही में जो कर्मयोगी भारत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है उसमें कई तरह के ऑनलाइन कोर्सेस उपलब्ध हैं। आज ही आप जैसे नए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष कोर्स की शुरुआत भी की जा रही है। इसको नाम दिया गया है कर्मयोगी प्रारंभ। आप कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन कोर्सेस का जरूर ज्यादा फायदा उठाएंगे ही। इससे आपकी स्किल भी अपग्रेड होगी और भविष्य में आपको अपने कैरियर में भी काफी लाभ होगा। साथियों, आज आप ये भी देख रहे हैं कि वैश्विक महामारी और युद्ध के संकट के बीच पूरे विश्व में युवाओं के सामने नए अवसरों का संकट है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स विकसित देशों में भी बड़े संकट की आशंका जता रहे हैं। ऐसे समय में इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत के पास अपना आर्थिक सामर्थ्य दिखाने और नए अवसरों को बढ़ाने का एक स्वर्णिम मौका है। भारत आज सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में विश्व की एक बड़ी शक्ति बन गया है। अब एक्सपर्ट्स
भरोसा जता रहे हैं कि भारत विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हाउस भी बनने वाला है। इसमें हमारी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम ऐसी योजनाओं की बड़ी भूमिका होगी, लेकिन इसका मुख्य आधार भारत का स्किल्ड मैन पावर, भारत का स्किल्ड युवा ही होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ पीएलआई स्कीम में ही देश में 60 लाख नए रोजगार का सृजन होने की उम्मीद है। मेक इन इंडिया अभियान हो, वोकल फॉर लोकल हो, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान हो, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही हैं। यानी सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में नई नौकरियों की संभावना लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवे भर्ती उम्मीदवारों को नवे मौकियां दा वध तों वध लाभ लेने लई आख्या। मैं देश के सभी युवाओं से आग्रह करूंगा कि नए अवसरों का भी पूरा लाभ उठाएं। आज जिन 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है, मैं उन्हें एक बार फिर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्रयास करने में कभी कोई कमी नहीं रखेंगे। आज जो नियुक्ति पत्र है वो आपका एंट्री पॉइंट है। इसका मतलब हुआ कि प्रगति का एक नया विश्व आपके सामने अब खुल चुका है। आप अपने आप को अधिक से अधिक योग्य बनाइए, काम करते करते योग्यता बढ़ाइए, ज्ञान अर्जित करते करते योग्यता बढ़ाइए, अपने सीनियर से जो अच्छी चीजें हैं वो सीख करके योग्यता बढ़ाइए। साथियों, मैं भी आपकी तरह निरंतर सीखने का प्रयास करता हूं। मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता हूं। हर किसी से मैं सीखता हूं, हर छोटी चीज से सीखने का प्रयास करता हूं, और उसका कारण आज मुझे एक साथ अनेक काम करने का मुझे कभी संकोच नहीं होता है, झिझक नहीं होती है, कर पाता हूं। आप भी कर सकते हैं। और इसलिए ये जो नया विषय प्रारंभ हुआ है कर्मयोगी आरंभ का, मैं आपसे चाहूंगा दोस्तों कि आप उससे जुड़िए। क्या आप एक महीने के बाद मुझे आपका इस ऑनलाइन ट्रेनिंग का क्या अनुभव रहा, इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको क्या कमी लग रही है, इसे और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, आप स्वयं भी उस कर्मयोगी ट्रेनिंग को अपग्रेड करने में कुछ सुझाव दे सकते हैं क्या, मैं आपके रिस्पांस का इंतजार करूंगा। मगरों इस रोजगार मेले दौरान केंद्रीय वाणिज ते सनत राज मंत्री सोम प्रकाश ने पंजाब तो अलावा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश अते राजस्थान तो आए उम्मीदवारों नु नियुक्ति पत्र प्रदान किए। फौजी बलों तो अलावा केंद्र सरकार दे वक वक महकमियां अते बैंकां विच नियुक्ति संबंधी पत्र नौजवानों नूं दिते गए। अपने संबोधन विच केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि भारत सरकार देश दे नौजवानों नूं रोजगार देण दी दिशा वल कई कदम चुक रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कुछ समय पहले ये कहा था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, उसी सिलसिले में एक दूसरी कड़ी है, दूसरा मेला है रोजगार का, जिसमें 45 जगह पर नौकरियों का सिलसिला शुरू किया गया है। और इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री जी ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल शुरू किया गया है, उससे कर्मचारी गवर्नमेंट सर्वेंट्स किस ढंग से काम करें, उसकी ट्रेनिंग कैसी हो, अच्छे एम्प्लॉइज बन सकें, उसकी शुरुआत की है। और उन्होंने कहा है इसके साथ सभी को जुड़ना चाहिए और इसमें सुझाव भी देने चाहिए। देश तेजी से तरक्की कर रहा है, भारतवर्ष दुनिया का सबसे तेज तरक्की करने वाला देश बन चुका है। और एक एक ही राष्ट्र है, देश है, जो 7% ग्रोथ रेट से तरक्की कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश जहाँ रिसेशन है, विकास दर 2-3% तक है, और सिर्फ 5% है जिसमें ये ग्रोथ 7% के नजदीक है। और आने वाले समय में कई साल तक ये ग्रोथ इस रेट से चलेगी और भारत एक विकसित देश बन के उभरेगा, दुनिया का शक्तिशाली देश बन के उभरेगा। इस तो पहला सीमा सुरक्षा बल पंजाब फ्रंटियर दे इंस्पेक्टर जनरल आसिफ जलाल ने रोजगार मेले संबंधी जानकारी दी। देश के विभिन्न प्रांतों के बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करवाए जा रहे हैं। पीएम रोजगार मेला के माध्यम से आज लगभग 71,009 युवकों को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों के लिए 45 केंद्रों के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को ग्रुप ए, बी, सी एवं डी के विभिन्न पदों के लिए सरकारी नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे और उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसी संदर्भ में आज पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश राज्य के लगभग 400 चयनित उम्मीदवारों को जालंधर के रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इन 400 उम्मीदवारों में से कुल 202 सफल उम्मीदवार यहां व्यक्तिगत रूप से अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे तथा बाकी के उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे एवं उनके रोजगार के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान की जाएगी। उन्हें भी आज ही ईमेल के द्वारा या डाक के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस रोजगार मेले में शामिल उम्मीदवारों ने रोजगार मिलन ते खुशी प्रगटाई अते अपना कामकार पूरी जिम्मेवारी अते ईमानदारी नाल करन दी वचनबद्धता प्रगटाई। असी बहुत खुश हैं जी, अज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों सानू अपॉर्चुनिटी मिली जिस करके असी इन्नी अगे आए हैं, लाइफ च सक्सैसफुल होए हैं जी। हुण इत्थों साडी लाइफ दा एक नया दौर शुरू होएगा। आपां बहुत थैंक्स करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा कि सानू अपॉर्चुनिटी दित्ती, अगे भी नौजवानों नूं एवें ही अपॉर्चुनिटी दिंदे रहन ताँ कि साडे जो इंडिया दे नौजवान आ तरक्की करन। हर कोई पर्सन का सर एक ना जिंदगी में एम होता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है। सर सर हमारा जो इलाका है ना बॉर्डर इलाका, सर मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ सर, वहाँ के लोगों का यही मेन एम होता है कि हाँ मैं डिफेंस में जाऊँ। सर आज ये अपॉर्चुनिटी पाकर सर क्या बताऊँ सर, ये वाली फीलिंग मैं सर बयानों में सर बयान नहीं कर सकता। मेरा नाम यशस्वी पारिक है और मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से आई हूँ, आज यहाँ जालंधर। और एसएससी स्टेनोग्राफर में मेरा कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मुझे पीसीडीए मुंबई मिला है और मैं बहुत खुश हूँ कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है और मैं फाइनली फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ और सब प्रोसेस इतनी जल्दी चल रहा है तो मुझे टाइम से ज्वाइनिंग भी मिल रही है तो मुझे बहुत खुशी है। उन्होंने सेवा और समर्पण से जो भी भाव हम तक पहुँचाने की कोशिश की है तो हम बस उसी भावना से अपना काम करें, जिम्मेदारी समझें कि हाँ अब हम एक सरकार के हम कर्मचारी हैं तो बस जितना भी हमारा काम है वो हम ईमानदारी से और जिम्मेदारी से करें। तो श्रीकांत शर्मा,
जिला गाजीपुर यूपी से हैं, वाराणसी के नज़दीक हैं हम। हाँ तो आपका भी नियुक्ति पत्र मिला, हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बहुत सुंदर, हमें प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इस समय गुड प्लेटफॉर्म चल रहा है उसके तहत हमें नियुक्ति पत्र वितरण किया गया, इससे हम बहुत प्रभावित हुए हैं। हाँ, और ऐसे ही सोचा था कि इस उम्र में इतनी जल्दी आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा? नहीं, अभी तो नहीं सोचा था, मगर ये जो सरकार काम कर रही है उससे लग रहा है कि आने वाले लड़कों के भविष्य भी जल्दी संवर जाएंगे। सर, मेरा नाम है भुट्टो अली, मैं सर कानपुर से हूँ। मैं सर बहुत बहुत आभारी हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मुझे इस बेरोजगार बंदे को एक रोज़गार प्रदान किया है। मैं उनका सर बहुत आभारी रहूँगा, और मैं रेलवे को अपना जितना हो सकेगा उतना वर्क करके अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जाने की कोशिश करूँगा। रोजी रोजी, आपको किस डिपार्टमेंट में नौकरी मिली? ESIC में, मैं बठिंडा से हूँ, UDC पोस्ट पे अपॉइंट हुई हूँ मैं सर। ईमानदार रह के और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी जाएगी उसे अच्छे से निभाऊंगी। सुषमा रानी। सुषमा रानी, कितना आयो? BSF। सरकार ने सानू ये नियुक्ति पत्र दे के साडा हौसला होर वधाया, होर नौजवानों का होर हौसला वधाया कि वह सानू देख के कि जिदा इन्हों नू जॉब मिले सानू मिलेंगे। मेरे छोटे बहन भाई भी है, वो भी मुझे देख के। मेरा नाम सुशीला है और मैं अबोर से आई हूँ। मेरा BSF में सिलेक्शन हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ है, और ज्वाइनिंग लेटर लेके मेरे को बहुत खुशी मिल रही है। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। अभी तो मेरी एज 23 हुई है, और 22 के बाद मेरी क्वालिफिकेशन पूरी हुई थी, और 23 में मुझे जॉब मिल के मैं इसमें बहुत खुश हूँ। नमस्ते, और मैं सरला हूँ, हबोर से आई हूँ, और मेरे पेरेंट्स जो है दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे आज अपनी ज़िंदगी का सफल मोमेंट प्राप्त हुआ है, और इस BSF टेंट और PM मोदी की मदद से मुझे आज इतनी सफलता प्राप्त हुई है। और मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि सभी मेहनत कीजिए, सभी परिश्रम कीजिए, ताकि हमें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिल सके, और देश का नाम रोशन करने का भी मौका मिल सके, और हम अपने देश के अंदर अलग अलग जो सेवाएं हैं उनमें हम अपना योगदान दे सके। इसी के साथ मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि अगर मोहब्बत ही करनी है तो अपनी किताबों से कीजिए, ताकि हम जिंदगी में अपने सफल रास्ते की ओर बढ़ सकें। मेरा नाम सुधीर है और मैं पंजाब के जलंधर शहर से रहने वाला हूँ, और मैं अभी रिसेंटली पंजाब एंड सिंध बैंक में सिलेक्ट हुआ हूँ। काफ़ी साल की मेहनत काम आ गई है, एंड मैं अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये रोज़गार मेला चलाया और हमें ये अवसर दिया कि हम अपने सीनियर से ये अपॉइंटमेंट लेटर ले सकें। मेरा नाम युक्ता है, मैं बठिंडा से हूँ, मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट की थी, और आज मेरे पास पंजाब एंड सिंध बैंक में एज एन ऑफिसर ज्वाइनिंग है, बड़ा अच्छा लग रहा है आज एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर। मेरा नाम अदिति है और मैं गुरुहर सहाय डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर की रहने वाली हूँ। आज मैं यहाँ रोजगार मेले में आई हूँ क्योंकि मोदी साहब ने हमें जो जॉब्स दी हैं उसके अंडर मेरी सिलेक्शन पंजाब एंड सिंध बैंक में हुई है, और ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सब यूथ के लिए कि वो इन सब एग्ज़ाम्स को, इन सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपना पार्टिसिपेट करके बहुत ही अच्छी अच्छी जो जॉब्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। मेरा नाम सतीश सिंह है और मैं एक्स आर्मी पर्सन हूँ। मैं 20 साल जॉब करके आर्मी से रिटायर हुआ था, तो तब सोचा नहीं था कि जॉब लग जाएगी करके, लेकिन जो PM मोदी साहब का इनिशिएटिव है रोज़गार का, बहुत अच्छा है, हमें जॉब का मौका मिला, और मेरी अभी पंजाब एंड सिंध बैंक में सिलेक्शन हुई है एज ए क्लर्क। और मैं जो हमारे एक्स सर्विस पर्सन रिटायर्ड आते हैं, मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि होप नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी आगे और भी रोज़गार मिले लगेंगे तो उनमें आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा। तो मेरा नेम वैशाली अरोड़ा है, मैं पटियाला से बिलोंग करती हूँ, एंड आफ्टर फाइनली इतने टाइम की मेहनत के बाद वी गॉट सिलेक्टेड इन PSB, एंड सच अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि अगर गवर्नमेंट हर साल निकालती है जॉब्स देन हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। और बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है कि पोर्श नहीं होगा सिस्टम, जैक लगते होंगे तब मिलती होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत करते हो फाइनली आपका नंबर आ ही जाता है, बाय गॉड ग्रेस वी आर थैंकफुल टुडे, एंड थैंक्स टू ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर सर, एंड वी गॉट द चांस टू सर्व द नेशन।